पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा में शहीद हुए आतंकी हमले के बाद देश के लिए शहीद हुए सैनिकों का दुख देश के लोगों में साफ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद की जनता का दिल भी शहीदों को याद कर रो रहा है। सभी ने नम आंखों से शहर के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी, तो वहीं पाकिस्तान के कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग भी सरकार से की गई। आइए जानते हैं मुरादाबाद शहर के गणमान्य लोगों का दर्द किस तरह बयां हुआ। आतंकवाद का साथ देते हैं, हमें सजग होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को नजर रखें, कहीं ऐसा कुछ दिखाई देता है तो सबको अलर्ट होना चाहिए। बहुत ही जिसने भी इस हरकत को अंजाम दिया है, बहुत ही उसके प्रति मन में मेरे आक्रोश है। मेरे क्या पूरी जनता के, भारत के हर नागरिक के, हर उस इंसान के मन में आक्रोश है जिसके मन में देश के लिए लगन है, कुछ करने का जज्बा है। आज हमारे हाथ में हथियार दे दी जाए, हमें जरूरत नहीं है किसी सरकार की, हम कुछ सक्षम है। ये देश हमारा है, हम इसके बेटे हैं, सपूत हैं। अगर कोई हमारी माँ पे आग उठाकर देखना तो बहुत दूर की बात है, इशारा भी कर दे उसका हाथ काट लेंगे। साथ ही इस घटना में जिम्मेदार जो भी आतंकवादी संगठन है, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ पाकिस्तान को, हम लोगों मजबूर ना करें कि हम भी हथियार उठाएं, हम भी आतंकवाद का रूप लें और तुम्हारे घर में घुस के, तुमने तो ये कायना कर दी है, हम सीने पे गोली खाना मारना भी जानते हैं, खाना भी जानते हैं। साथ ही सरकार से पुनः मेरा निवेदन समझ लो, चेतावनी समझ लो। आज भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या स्टेट पार्टी हो, सब इस घटना से बौखलाए हुए हैं, सबको मन में आक्रोश है, सब सरकार का साथ देने तैयार है, बासाथ हमें कार्रवाई चाहिए। जब तक हमारे मन को चैन नहीं मिलेगा, जब तक हम उन लाशों को अपनी आंखों देख नहीं लेंगे जिन्होंने ऐसी हरकत करी है, पुनः एक बार मैं उन सभी शहीदों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए, अपने परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।